हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एलकेजी क्लास। बच्चों, आज हम नया टॉपिक सीख रहे हैं, आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर का मीनिंग होता है बच्चों कि जिसे टू के बाद का नंबर, ठीक है, मतलब अपने को जो नंबर रहता है उसके बाद की डिजिट लिखनी होती है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। ये कितना है? टू। टू के बाद बच्चों कितना आता है? थ्री। तो अपन यहाँ लिखेंगे थ्री। ये हो गया टू का आफ्टर नंबर। अब देखो बच्चों यहाँ कितना है? फोर। अब बताओ बच्चों फोर के बाद क्या आएगा? फाइव। तो यहाँ लिखना है फाइव। ये फोर का आफ्टर नंबर हो गया, है ना। ये कितना है? सिक्स। सिक्स के बाद कितना आता है? सेवन। ये सिक्स का आफ्टर नंबर हो गया। अब देखो ये कितना है? वन। वन के बाद क्या आता है बच्चों? टू। तो यहाँ पे टू लिखना है और ये वन का आफ्टर नंबर है। ये कितना है बच्चों? थ्री। अब थ्री के बाद क्या आएगा बच्चों? फोर। तो ये थ्री का आफ्टर नंबर है। इस तरीके से बच्चों आपको ये नोटबुक में रिटन वर्क करना है। वर्कबुक में बच्चों आपको पेज नंबर 65 ये वाला पेज रिटन वर्क करना है। बच्चों आपको ये बिफोर और ये आफ्टर वाला पेज अभी छोड़ना है। और मैट्रिक्स वाली वर्कबुक में आपको बच्चों पेज नंबर 16 ये आपको रिटन वर्क करना है। ये बच्चों आपको काउंट करके और उनके नंबर लिखने, जैसे वन तो यहाँ वन, वन टू तो आप यहाँ टू लिखेंगे, वन टू थ्री तो थ्री, वन टू थ्री फोर यहाँ पे फोर लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे फाइव लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे सिक्स लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे सेवन लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पे एट लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ पे नाइन लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों आपको ये वर्क करना है।